हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोहित शर्मा एंड टुडेस आवर टॉपिक इज हाउ टू मेक अ यूट्यूब बैनर और हाउ टू मेक अ यूट्यूब चैनल आर्ट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको जाना है canva.com पे। यहाँ पे आने के बाद आपको सर्च करना है यूट्यूब, फिर आपको सिलेक्ट करना है YouTube चैनल आर्ट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने है 1000 टेम्पलेट्स जो कि फ्री और पेड दोनों हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे से फ्री वाले को सिलेक्ट करेंगे। अब आपके सामने आ चुके हैं पूरे फ्री वाले टेम्पलेट्स। सो इनमें से कोई भी टेम्पलेट को आप अपने YouTube बैनर के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम इसे क्लिक कर लेते हैं एक बार। सो जैसे ही आप अपना टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको एक इमेज अपलोड करनी है। यहाँ पे अपलोड में आके ये वो इमेज है जिसे आपको अपलोड करनी है अपने इस टेम्पलेट के ऊपर में। ये इमेज आपको गूगल से भी मिल जाएगी, ये इमेज आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पोजीशन में आना है, इसे फॉरवर्ड कर देना यानी कि सबसे ऊपर आ जाए, ठीक है। उसके बाद हम इसे सेट कर लेंगे। इसे सेट करने के बाद में आपको आना है फाइल में। फाइल में आने के बाद शो रूलर्स, शो रूलर्स में आने के बाद में आपको, आप देख सकते हैं, जैसे आप सभी को पता होगा कि जो यूट्यूब बैनर होता है ये मोबाइल में अलग दिखते हैं, टैबलेट्स में अलग दिखते हैं और डेस्कटॉप में अलग दिखते हैं और टीवी में अलग दिखते हैं। लेकिन हमको काम किसके ऊपर करना है, ये बीच वाले पोर्शन के ऊपर यानी कि 423 वाले साइज के ऊपर में, ठीक है। यानी कि हमको मोबाइल में भी अच्छे से चाहिए, टैबलेट में भी और डेस्कटॉप में भी। हमको टीवी से कुछ ज़्यादा खास काम नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस रूलर के लिए जो लाइन है इसको हम इस लाइन के ऊपर लेके आएंगे। आपको प्रॉपर अच्छे से करना है, एकदम टाइम लेके आराम से, ठीक है, हड़बड़ नहीं करनी है। उसके बाद लेफ्ट साइड से यहाँ पे लेके आएंगे क्लाइंट को, फिर यहाँ पे दूसरी लाइन, उसके बाद एक लाइन यहाँ और एक लाइन यहाँ पे। अब इसे जूम करके एक बार देख भी सकते हैं कि कितना प्रॉपर तरीके से आपने लाइन को एडजस्ट किया हुआ है, ठीक है। एडजस्ट होने के बाद में आप क्या करेंगे, ये वाला जो हम लोगों ने अपलोड किया है इस इमेज को डिलीट कर देंगे। अब ये डिलीट हो चुका है। अब आपको समझ में आएगा कि मोबाइल में मेरा यूट्यूब बैनर कैसे दिख रहा है, टैबलेट तक कैसे दिख रहा है और डेस्कटॉप में कैसे दिख रहा है। तो अभी हमको तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ दिखाना सिखाने के लिए क्या करूँगा, इसे चेंज कर लूँगा, इस नाम को रोहित, उसके बाद इस नाम को भी चेंज कर लेंगे SHRM शर्मा। थोड़ा सा इसे मैं साइज में बड़ा कर दूँगा। अब इसे हम चाहे तो एडजस्ट कर सकते हैं लेफ्ट में। उसके बाद में आप जूम करके देखेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेबसाइट है ये। अगर आपकी वेबसाइट है तो आप इसे डाल सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। और राइट साइड में जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके सोशल मीडिया का नाम पूछ रहे हैं, ठीक है। अगर होगा तो आप इसे डाल दीजिएगा। अगर ट्विटर में अलग है, फेसबुक में अलग है और इंस्टाग्राम में अलग है, तो हम इसे लाइन वाइज भी कर सकते हैं। जैसे पहले ऊपर इंस्टाग्राम का डाल दिए, फिर नीचे ट्विटर का, फिर नीचे फेसबुक का। तो फिलहाल मैं आपको सिखाने के लिए दिखा दे रहा हूँ बस एक बार, ठीक है। जैसे ये हो गया, अच्छा यहाँ पे प्लेस लिखा हुआ है तो इसे मैं इसे चेंज कर लूँगा, यहाँ से वाइट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप जूम आउट कर लेंगे एक बार। हमको एक मैप तैयार करना है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट यही चीज़ होती है यूट्यूब बैनर बनाने के लिए, जो चीज़ मैंने आपको अभी सिखाई है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही होता है। उसके बाद में कैसे डिज़ाइन करना है ये आपके क्रिएटिविटी लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे एक बार आपने इसे सेट कर लिया, और भी बहुत तरीके यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे और भी लेआउट्स हैं। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो दूसरा लेआउट भी यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार के लिए, देखिए। तो ये यहाँ पे मैं उसको ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन पहले वाला हमको अच्छा लग रहा था तो इसे ले लेते हैं यहाँ पर। तो इसे डाउन, अब क्या करेंगे हम इस लाइन को डिलीट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। एक सेकेंड एक बार देख लेते हैं इसे डाउनलोड करके क्या होता है। सो PNG फॉर्मेट अच्छा होता है, तो PNG फॉर्मेट में हम, अच्छा कैनवा प्रो, तो यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है जो कि हमको कैनवा प्रो में भेज रही है। तो PNG फॉर्मेट, अच्छा ये इमेज, ओके ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, ये जो इमेज है यहाँ पे हमसे पैसे चार्ज कर रहे हैं, इसे हमसे यहाँ से डिलीट कर देंगे,
इस इमेज को हम यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे सो यहाँ से भी आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपका अलग अलग है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जस्ट फॉर एग्जांपल आपको दिखाने के लिए, अगर आप यहाँ नहीं भी डालते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिंक्स में आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, लिंक्स में डाल सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसे ये होने के बाद में आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, अब देखिए फ्री में हो रहा है। ये डाउनलोड हो चुका है, इसे ओपन कर लेते हैं एक बार। कितना खूबसूरत सा लग रहा है, ठीक है, ये बहुत प्यारा लग रहा है। इसे हम अपलोड करके मैं आपको दिखाता हूँ YouTube में कैसे देखने वाला है ये। सो यहाँ पे आने के बाद में हम इसे यहाँ पे करेंगे कस्टमाइज चैनल, यहाँ पे आना है बैनर इमेज अपलोड, और जहाँ पे आपने इसे डाउनलोड किया था उस एरिया से इसे ले लेना है, आपको यहाँ पे डन में क्लिक कर देना है। पब्लिश। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने चैनल पे जाके। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे डेस्कटॉप में कितना खूबसूरत सा दिख रहा है, ठीक है। सो इसी तरीके से ये एक मेन लेआउट आपको चाहिए रहती है YouTube बैनर बनाने के लिए। सो अगर आपको इस वीडियो ने ज़रा सी भी हेल्प करी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाने के लिए। सो बाय बाय गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।